नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। इस वक्त कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर के दरमियान मैच जारी है। टूर्नामेंट में सिंध और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स इन एक्शन है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ़ार से, जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में ही मौजूद हैं। अब्दुल गफ़ार, बताएगा नेशनल स्टेडियम में आप मौजूद हैं, सिंध प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जा रहा है, कैसे इन्जॉय किया जा रहा है इस मैच को? जी, मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी क्रिकेट लीग जो है वो आज शुरू हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग के बाद सिंध प्रीमियर लीग की आज लॉन्चिंग हुई, और अब से कुछ देर पहले जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके अंदर पीएस पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद थी। इसके अलावा दीगर हुकूमती शख्सियात भी मौजूद थी, सिंध गवर्नमेंट और उसके अलावा। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि जो सिंध के क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी लीग, चूँकि पहली मरतबा अंदरून सिंध के क्रिकेटर्स को इस लीग में मौका मिल रहा है। 5 से 6 क्रिकेटर्स हर टीम के स्क्वाड में शामिल हैं, 2 खिलाड़ी जो है वो हर टीम की 11 में शामिल होंगे। और अब जिस वक्त बात कर रहे हैं तो इस वक्त कराची और हैदराबाद का मैच जारी है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस सिंध प्रीमियर लीग से स्पेशली सिंध का छुपा हुआ टैलेंट, शाहनवाज धानी और शर्जील खान जैसे छुपे हुए जो और इस तरह के शाहनवाज धानी या शर्जील खान हैं, उनको मौका मिलेगा। और ये लीग ना सिर्फ सिंधी क्रिकेटर्स को सिंध प्रीमियर लीग में प्लेटफॉर्म दे रही है, बल्कि इसके उभरते हुए स्टार यकीन तौर पर आने वाली पाकिस्तान सुपर लीग और उसके साथ आगे चल के इंशाल्लाह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। जी गफ़ार, बहुत शुक्रिया आपका।